हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडीएस खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर जो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखाया जा रहा है, तो उसे लेटर नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप डी राजस्थान परिमंडल की तरफ से जो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जयपुर है उनको लिखा गया है। दोस्तों लेटर का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस पद पर पदोन्नति परीक्षा 2 अगस्त 2020 को निरस्त करने बाबत, यानी कि इसको पोस्टपोन करने के लिए यहाँ यूनियन की तरफ से कहा गया है। दोस्तों क्या क्या रीज़न बताए गए हैं पोस्टपोन करने के, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बट अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूनियन की तरफ से ग्रामीण डाक सेवकों की जो प्रमोशन परीक्षा होने वाली है 2 अगस्त 2020 को, उसको जो पोस्टपोन करने के बारे में बताया गया है। उपरोक्त विषयागत ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस पद पर पदोन्नत परीक्षा 2 अगस्त 2020 रीजनल हेडक्वार्टर पर विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। उक्त परीक्षा रीजनल हेडक्वार्टर पर कराने में अभ्यर्थियों को अग्रलिखित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आप यहां देख सकते हैं जो यूनियन की तरफ से बताया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 अनलॉक 2 जारी है, जिसके तहत संपूर्ण परिमंडल में रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निषेध लागू है। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक रीजनल हेडक्वार्टर से दूरस्थ इलाकों में 500 किलोमीटर की दूरी तक निवास करते हैं, जिससे रीजनल हेडक्वार्टर पर पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आप देख सकते हैं, वर्तमान में आवागमन के साधन जैसे ट्रेन व बसें नियमित नहीं चल रही हैं। ऐसे संक्रमण काल में परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, सभी ग्रामीण डाक सेवक अल्प वेतनभोगी है। कोविड-19 अनलॉक 2 के चलते इनकी परीक्षा केंद्र में पहुंचने में एवं ठहरने के लिए उपयुक्त साधन नहीं होने परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो परीक्षार्थी रीजनल हेडक्वार्टर पर रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच से पहुँचेंगे, ऐसे में परीक्षार्थी मध्य रात्रि में कहाँ जाएंगे। इसके अलावा पाँचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, कोविड-19 अनलॉक 2 के चलते परीक्षार्थियों की परीक्षा हेतु विभाग को अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाने पड़ेंगे। अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों हेतु अत्यधिक पर्यवेक्षक वीक्षक तैयार करने होंगे, जिससे विभाग को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं यूनियन की तरफ से जो 5 पॉइंट बताए गए हैं जिसके तहत जो जीडीएस टू एमटीएस की परीक्षा पोस्टपोन्ड की जाए। दोस्तों इस जो परीक्षा पोस्टपोन्ड की जाने को लेकर यूनियन की तरफ से जो लेटर लिखा गया, इसको लेकर आपके कोई भी विचार हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अभी हम आपको बता दें अभी किसी भी प्रकार की परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। तो अभी तक इंडिया पोस्ट की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जब भी इसको लेकर अगर पोस्टपोन्ड होती है तो उस पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। बट अभी यूनियन की तरफ से पोस्टपोन किए जाने का यह लेटर जो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान है उनको लिखा गया है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।